हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द पॉइंट्स जो जॉइन कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट के साथ -1, 7, 4, -3 इन द रेशियो 2/3। यानी क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ए के पॉइंट है -1, 7 और दूसरे पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ 4, -3। अगर इसको मैं ए बी कहता हूँ तो यहाँ से x1 निकाला जा सकता है एंड y1 निकाला जा सकता है, और यहाँ से हम x2 निकाल सकते हैं एंड y2 निकाल सकते हैं जो कि है -3। और यहाँ रेशियो से पता चलता है कि m1 2 है और m2 जो है वो कितना है 3 है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं उस पॉइंट के जो इसको डिवाइड कर देता है, यानी ये कोई लाइन होगी और ये कोई दूसरी लाइन से, ये पॉइंट पी मान लेते हैं उसको जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 में, ठीक है ना। तो मुझे इस पी के कोऑर्डिनेट पता करना है, तो पता कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है दूसरा कलर चेंज करता हूँ मैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना एक्स निकालना का, वो है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। इसी तरीके से हम y भी निकालते हैं एम वन एक्स टू एम टू, सॉरी ये y टू है और एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। इसका इस्तेमाल करेंगे हम और देखेंगे क्या आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सारी वैल्यू मैं x निकालने के लिए क्या करूँगा, p के x को निकालने के लिए एम वन हमारे यहाँ पे गिवन है 2 है, x2 की वैल्यू देखिए कितनी है 4, यहाँ पे 4 रख दिया मैंने, प्लस m2 की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 रख दिया, एंड x1 की वैल्यू है -1। डिवाइड में जाएगा m1 जो कि है 2 और m2 है 3, ठीक है ना। इसी तरीके से y निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं m1 2 है और y2 की वैल्यू देखिए -3 है तो -3 ले लेते हैं, प्लस m2 जो कि 3 है, y1 जो कि 7 है ना, 7 यहाँ पे ले लेते हैं 7, ठीक है। और नीचे m1 m2 मतलब 2+3, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना है, सारी वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा, एंड ये भी मल्टीप्लाई में और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो 3 1 3 होता है, नीचे है डिवाइड में हमारा 2+3 5, ठीक है ना। तो 8 -3 5 होता है, 5 ÷ 5 = 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 होता है माइनस में रहेगा एंड 3 7 21 होता है और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 21 - 6 प्लस माइनस तो माइनस ही होता है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, एंड इससे जब कैंसिल आउट करूँगा मैं तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो कि x कॉमा वाई था वो आ चुका है, क्या आ चुका है 1, 3 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड इसके प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप जा सकते हो लिंक में जो दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।